हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम प्राथमिक क्रियाएं अध्याय के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखें कि हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आखेट एवं भोजन संग्रह यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग, और दूसरा है पशुचारण यानी कि पैश्योरलिज्म। तो बच्चों, इस अध्याय को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। तो बच्चों, मानव की जिस भी गतिविधियों यानी कि एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाता है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। यह आर्थिक क्रिया कुल चार प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरा है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तीसरा है तृतीयक यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़, और चौथा है चतुर्थ यानी कि क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। प्राथमिक क्रियाओं में पर्यावरण से संबंधित काम होते हैं, द्वितीयक क्रियाओं में उद्योग के संबंधित होते हैं काम, और तृतीयक क्रियाओं में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, और चतुर्थ क्रिया जो होती है उसमें ज्ञान के आधार पर सेवा प्रदान की जाती है। इसका मतलब कि वो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होता है। बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर होती हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री और अन्य खनिजों का इस्तेमाल होता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आखेट यानी कि हंटिंग, भोजन संग्रह यानी कि गैदरिंग, पैश्योरलिज्म यानी कि पशुचारण, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट्री, और कृषि और खनन कार्य यानी कि एग्रीकल्चर और माइनिंग से संबंधित काम। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि जो लोग भी प्राथमिक क्रियाएं करते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक यानी कि रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है, क्योंकि वह घर के बाहर काम करते हैं। तो बच्चों, अब हम आखेट एवं भोजन संग्रह यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि प्राचीन युग में जो भी मानव होते थे वो अपने आसपास के वातावरण पर पूरी तरह से निर्भर थे अपने जीवन यापन के लिए। तो उस समय मानव कुल दो चीज़ों पर निर्भर हुआ करते थे। पहला तो है पशु यानी कि जानवर, जिनको वो मारकर खाया करते थे। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक वो लोग जानवर को मारकर कच्चा ही खा जाया करते थे, मगर आग का आविष्कार होने के बाद वो लोग उसे पकाकर खाने लगे। दूसरी चीज जिस पे प्राचीन समय में मानव निर्भर हुआ करते थे वह है पौधे। तो बच्चों, क्या होता था कि पहले के जो भी मानव होते थे वो अपने आसपास के जंगलों से जो भी खाने योग्य पौधे होते थे उन्हें एकत्रित करते थे और उसे इस्तेमाल कर अपनी भूख को मिटाया करते थे। तो बच्चों, अब हम आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में थोड़े अच्छे रूप से जानेंगे। बच्चों, प्राचीन समय में लोग जंगली जानवरों पर भी निर्भर हुआ करते थे। उसी तरह जो लोग गर्म और ठंडे प्रदेश में रहते थे वो लोग आखेट यानी कि शिकार किया करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। उसी तरह जो लोग तटवर्तीय क्षेत्रों यानी कि कोस्टल एरियाज में रहा करते थे वो लोग मछली पकड़कर अपना जीवन चलाया करते थे। आज के समय में भी जो लोग तटवर्तीय क्षेत्रों यानी कि समुद्र के पास रहा करते हैं वो लोग मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। बस फर्क इतना सा आ गया है कि विकास के कारण मछली पकड़ने का तरीका बदल गया है। बच्चों, अवैध शिकार के कारण बहुत सारे जानवरों की जातियां खत्म हो गई हैं और बहुत सारे जानवरों की जातियां अब खत्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। प्राचीन काल में जो शिकारी होते थे वो लोग पत्थर और लकड़ी के औजार का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके कारण जितने जानवर मरते थे उनकी संख्या कम होती थी, मगर आज के युग में गोली बंदूक के इस्तेमाल से ज्यादा संख्या में जानवरों को मारा जा रहा है। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है आखेट और भोजन संग्रह जो है वो सबसे पुराने आर्थिक कार्यों में से एक है। इसे दुनिया के अलग अलग भागों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। भोजन संग्रह का काम उन सारे जगहों में भी किया जाता है जहाँ की जलवायु स्थिति यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती है। भोजन संग्रह से प्राचीन समाज जुड़े होते हैं जो कि पौधे और जानवर पर निर्भर होते हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। इस तरीके के कामों में बहुत कम पूंजी लगती है। इसका मतलब ये कि जो लोग भी इन सारी क्रियाओं को शुरू करना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इन सारी क्रियाओं को करने के लिए निम्न तकनीकी ज्ञान यानी कि अगर विकास नहीं भी होगा तब भी इन सारे कार्यों को किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासी के समय में, उस प्राचीन समय में किसी भी तरीके का विकास नहीं था, फिर भी वो लोग शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे। बच्चों, इन सारे कार्यों में जो उत्पादकता होती है, जो यील्ड होती है, वह प्रति व्यक्ति बहुत कम होती है। इसका मतलब यह है कि एक इंसान किसी तरह अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है और वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं कर सकता जिससे बहुत सारे लोगों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि आखेट और भोजन संग्रह विश्व के किन किन क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, इस मैप में जितने भी काले धब्बे बने हुए हैं उन सारे क्षेत्रों में आखेट और भोजन संग्रह अभ्यास किया जा रहा है।
इसमें आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का ऊपर वाला जो भाग है, जो कि कनाडा का हिस्सा है, वहाँ पर इसका अभ्यास किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका, जहाँ पर अमेजॉन बेसिन का क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग अब भी वहाँ रहा करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, जहाँ पर अमेजॉन बेसिन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अब भी बहुत सारे आदिवासी लोग रहा करते हैं, जो कि आखेट और भोजन संग्रह का अभ्यास आज के दिन में भी किया करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अफ्रीका का जो बीच वाला भाग है, जहाँ पर घाना, नाइजीरिया और अन्य देश आते हैं, वहाँ पर भी इसका अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी भाग है और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में भी इसका अभ्यास किया जाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो पूर्वी भाग में देश आते हैं, जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड, उन सारे क्षेत्रों में भी इसका अभ्यास किया जाता है। और आप देखेंगे कि एशिया और यूरोप के ऊपरी भाग में भी, जिसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, जो कि रशिया देश का भाग है, वहाँ पर भी इस क्रिया का अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है आधुनिक समय यानी कि मॉडर्न एरा में भोजन संग्रह यानी कि गैदरिंग के कुछ भागों का व्यापारीकरण हो गया? तो इसके बाद लोग पौधे की पत्तियां, छाल और जो भी पौधे जिनका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उनको एकत्रित करते थे और बाजार ले जाकर बेच दिया करते थे। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनान और चमड़ा तैयार किया जाने के लिए होने लगा और पत्तियों के उपयोग से पेय पदार्थ और दवाइयां बनाई जाने लगी। उसी तरह धृत फल को भोजन और तेल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और पेड़ के तने से रबर, पलाटा और गोंद का उत्पाद किया जाने लगा। अच्छा बच्चों, तो क्या आप लोगों को पता है कि च्युइंगम को चूसने के बाद उसका जो भी शेष भाग बच जाता है, जिसमें बिल्कुल भी रस नहीं होता, उसे हम चिकल कहते हैं और यह जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है और इसके विस्तार होने के मौके भी बहुत ज़्यादा ही कम है। इसका कारण यह है कि इस कार्य का जो भी उत्पाद होता है, वह विश्व बाजार में टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि इससे अच्छे प्रकार की वस्तु कम दाम में उपलब्ध है। तो बच्चों, अब हम पशुचारण यानी कि पैस्टोरलिज्म के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पशुचारण को साफ शब्दों में पशुपालन व्यवसाय कहते हैं। तो बच्चों, इतिहास के किसी समय में जब लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ शिकार से भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। जितने भी लोग थे, वह विश्व के जिस भी क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पर जो भी पशु पाए जाते थे, उनका उन्होंने चयन किया और उसे पालतू बनाया। भौगोलिक कारण और तकनीकी विकास के आधार पर अभी पशुपालन व्यवसाय निर्वहन यानी कि सब्सिस्टेंस और व्यापारिक स्तर यानी कि कमर्शियल लेवल पर किया जाता है। तो बच्चों, पशुचारण के कुल दो प्रकार हैं। पहला है चलवासी पशुचारण, जिसका मतलब होता है नोमैडिक हर्डिंग, और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन यानी कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम चलवासी पशुचारण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, चलवासी पशुचारण जो होता है, वह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, जिसमें लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर हुआ करते थे। पहले के जो लोग होते थे, वह एक जगह से दूसरी जगह अपने पालतू पशुओं को लेकर जाया करते थे और उसका आधार यह होता था कि उन्हें कहां पर कितना और कैसी पानी और चारागाह की उपलब्धता होती थी। परंपरा के अनुसार इन सारे पशुचारक वर्गों की अपनी अपनी एक निश्चित चारागाह क्षेत्र हुआ करते थे। बच्चों, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पशु पाले जाते थे, जैसे कि अफ्रीका में गाय व बैल जैसे पशु पाले जाते थे और सहारा रेगिस्तान और एशिया के क्षेत्रों में भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पशु पाले जाते थे। उसी तरह पर्वतीय भाग जैसे कि तिब्बत और एंडस के क्षेत्रों में याक व लामा को पाला जाता था और अंटार्कटिक और सब अंटार्कटिक क्षेत्रों में रेंडियर को पाला जाता था। तो बच्चों, इस नक्शे यानी कि इस मैप में हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारण किन किन विश्व के क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता था। तो बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं अफ्रीका का जो ऊपरी भाग है, जहाँ पर इजिप्ट जैसे देश है, वहाँ पर इसका अभ्यास किया जाता है, और यह जो क्षेत्र है, यह एशिया के मध्य भाग तक फैला हुआ है। उसी तरह यूरोप और एशिया का जो ऊपरी भाग है, वहाँ पर भी इस चलवासी पशुचारण का अभ्यास होता है। बच्चों, आप यह भी देख सकते हैं कि अफ्रीका के निचली भाग और मेडागास्कर आइलैंड जो है, उसके कुछ भागों में भी इस चलवासी पशुचारण का अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, ये जो चलवासी पशुचारण वाले लोग होते हैं, ये नई चरगाहों की खोज में पशुचारक समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय किया करते हैं। इसका मतलब ये गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारगाहों की ओर जाते हैं और शीत में
पर्वतीय भाग से मैदानी चरगाहों की ओर आते हैं। और इनकी जो ये गतिविधि होती है, इनकी ये जो प्रोसेस होती है, इस पूरे प्रोसेस को ऋतु प्रवास कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस ह्यूमन्स भी बोला जाता है। बच्चों, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोग जो होते हैं, वो लोग मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं गर्मी में, और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र पे आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश, जो कि साइबेरिया वाला एरिया है, वहाँ पर लोग दक्षिण से उत्तर की ओर गर्मी में जाया करते हैं और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर लौट जाया करते हैं। बच्चों, दिन प्रतिदिन जलवासी पशुचारण की संख्या कम होती जा रही है, जिसका पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। इसका मतलब हम जो आज ये अलग अलग देशों का बॉर्डर देखते हैं, इस कारण से जलवासी पशुचारक जो होते हैं वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, जिनके कारण इनकी गिनती कम होती जा रही है। और दूसरा कारण है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। इसका मतलब इन सारे लोगों के लिए एक ऐसा आवास बना देना जहाँ पर ये लोग रह सकें और इधर से उधर घूमने का काम ना करें। तो बच्चों, अब हम वाणिज्य पशुधन पालन यानी कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने चलवासी पशुचारण में देखा था, जहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था और पूंजी की ज़रूरत नहीं होती थी, वाणिज्य पशुधन पालन यानी कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इससे ठीक उल्टा है, जो कि ज़्यादा व्यापारक है और खर्चीला भी है, और इसमें ज़्यादा व्यवस्था बाद की ज़रूरत पड़ती है। वाणिज्य पशुधन पालन यानी कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित है, जहाँ पर यह प्रमुख रूप से अभ्यास किया जाता है। बच्चों, क्योंकि वाणिज्य पशुधन पालन ज़्यादा व्यवस्थित होता है, इसलिए इसमें एक विशाल फार्म का उपयोग होता है, जिसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और उन सारे भागों में चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार पशु की क्षमता रखी जाती है। इसका मतलब यदि वह इकाइयां ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर ज़्यादा पशु होंगे, और यदि वह इकाइयां छोटी है तो वहाँ पर कम पशु होंगे, जिससे वह अच्छी तरीके से चर सके। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, जब चराई के कारण एक क्षेत्र में घास खत्म हो जाती है, तब पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाया जाता है ताकि वह फिर से चराई कर सके। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा था चलवासी पशुचारण में, जहाँ पर बहुत सारे पशु को पाला जाता था, मगर वाणिज्य पशुधन पालन में ठीक उल्टा है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यदि हम प्रमुख पशुओं की बात करें तो इसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े आते हैं। इन सारे जानवर से जो भी मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं, उसे वैज्ञानिक ढंग से डब्बे में बंद कर विश्व के बाजार में भेज दिया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में कि यह ज़्यादा व्यवस्थित होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिक आधार पर पशुधन पालन किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण से ज़्यादा व्यवस्थित होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर वैज्ञानिक आधार पर पशुधन पालन किया जाता है। इसमें ज़्यादातर ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे वाणिज्य पशुधन पालन यानी कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग विश्व के किन किन क्षेत्रों में अभ्यास की जाती है। तो बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के भागों में इसका अभ्यास किया जाता है, और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के निचले भागों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप अफ्रीका के नीचे वाले क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो केंद्रीय भाग है, वहाँ पर भी इसका प्रमुख रूप से अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा आखेट एवं भोजन संग्रह यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग, और पशुचारण यानी कि पैस्टोरलिज्म के बारे में। अगली वीडियो में हम कृषि और उनके मुख्य प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।